क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज संपूर्ण कलीसिया संत स्टेनसिलुस कोस्का का पर्व मनाती है। उनके माता पिता की 7 संतानें थी, उनका स्थान दूसरा है। 14 वर्ष की उम्र में वे पढ़ाई करने के लिए जसुर संस्था में उन्होंने दाखिला लिया। उनका व्यवहार अपने मित्रों के प्रति अच्छा नहीं था और उसके कारण उसे वहां से निकाल दिया गया। उसके बाद वे अत्यधिक बीमार हो गए और इतने बीमार हो गए कि वे मरने के कगार पर थे। जब संत बर्नार्ड उनके लिए परम प्रसाद लेकर आए, तब उन्होंने देखा कि परम प्रसाद के आसपास स्वर्गदूतों का समूह प्रभु का स्तुतिगान कर रहा है। तब माता मरियम ने भी उन्हें दर्शन दिया और उनसे कहा कि वे जाकर जसुइट संस्था में अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित करें, और उन्होंने जसुइट संस्था में दाखिला लिया। संत स्टेनसिलुस के पिता नहीं चाहते थे कि वे एक पुरोहित बने। उन्होंने उन्हें जाने से रोका कि वे पुरोहित बनने के लिए न जाएं और उनका तिरस्कार किया, परंतु संत स्टेनसिलुस नहीं माने और वह प्रातःकाल ही घर से निकल गए और वे वहां से जर्मनी गए। जर्मनी वहां से 450 मील की दूरी पर है। वहां से उन्हें रोम भेजा गया, जो कि 800 मील दूर है। वे रोम गए और वहां पर उन्हें नोविस बनाया गया। उनका सरल स्वभाव, प्रार्थनामय जीवन और चमत्कारिक कार्यों को देखते हुए उन्हें विशेष रूप से एक विशेष दर्जा दिया गया, ताकि वे प्रभु के कार्यों को लोगों तक पहुंचाएं, प्रभु के प्रेम को लोगों तक पहुंचाएं। अत्यधिक बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। 31 दिसंबर 1726 में उन्हें संत घोषित किया गया। आइए क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, इस संत के माध्यम से हम प्रार्थना करें कि हमारा जीवन भी प्रार्थनामय हो, सादगी भरा हो, ताकि हम लोगों की सेवा और प्रभु की सेवा में अपने आप को समर्पित कर सकें। आमीन।